हनुमंत छाया ज्वेलर्स लाए हैं आपके शहर एवं आपके बजट में फार्म हाउस की श्रृंखला श्री हनुमंत छाया वाटिका, राजघाट रोड स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो आज ही संपर्क करें। बीते दिनों सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र की एक मोबाइल दुकान पर अज्ञात चड्डी चोरों ने धावा बोल दिया था। यहां से चड्डी चोर ने करीब 1 लाख के कीमती मोबाइलों पर हाथ साफ किया था। हालांकि चड्डी चोरों की यह पूरी करतूत मोबाइल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें नजर आ रहा था कि अज्ञात चोर बिना कपड़ों के चड्डी पर दुकान में दाखिल हुए और करीब 1 लाख के कीमती मोबाइलों पर धावा बोल दिया। मोबाइल दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए टीमें गठित की और मुखबिर तंत्र की सहायता ली गई। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी सोनू उर्फ सुनील पिता पारस लाल गौड़ उम्र 23 वर्ष निवासी देवरी खुर्द थाना केसली एवं अभिषेक पिता ओमकार गौड़ उम्र 20 वर्ष निवासी मरामा धौन थाना केसली से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने 2 से 3 बार दुकान पर जाकर रैंकी की थी। इसके बाद छेनी हथौड़े की मदद से दीवार तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और एंड्रॉइड मोबाइलों पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 नग मोबाइल जब्त किए हैं। बस स्टैंड के पास श्रद्धा मोबाइल दुकान पर एक व्यक्ति द्वारा पीछे से दीवार तोड़कर करीब 8 मोबाइल कीमती 90,000 रुपये की चोरी की थी। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान यह इन तथ्यों पर पहुंची कि इस प्रकार के 2 व्यक्ति हैं, एक अपने सिंहपुर गंजन के पास है, एक है केसली का सोनू उर्फ सुनील। तो इन पर फोकस किया गया और टेक्नोलॉजी के सहयोग से अपन को उससे लोकेशन ली गई और इनको पकड़ के लाए। पकड़ के लाने से पूछताछ उन्होंने बताया कि मैं 14 तारीख की रात को साइकिल से आया था और दीवार को छेद करके मैं इतने मोबाइल ले गया। इससे और 10-15 दिन पूर्व उसने इस प्रकार का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। तो पूछताछ पे सभी मोबाइल मिल गए हैं। जिस अभिषेक को उन्होंने बेचा था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी को माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। देवरी से अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।